अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो बजट रेंज का रियलमी का फ़ोन ये वाला 14-15 हज़ार की प्राइस में आपको पाकिस्तान में बहुत जल्द मिल सकता है। कब तक ये फ़ोन आएगा उसके बारे में भी बताता हूँ। तो फ़ोन अगर आप देखें रियलमी के जो दूसरे फ़ोन सी सीरीज़ में मिलते हैं उन्हीं जैसा डिज़ाइन है। एक स्टैंडर्ड टाइप का फ्रंट पे वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले दिया गया है जो कि LCD वाला है। 6.5 इंच का 720p की रेजोल्यूशन इसमें मिलती है और 400 निट्स तक इसमें आप ब्राइटनेस कर सकते हैं। 8.9 mm ये थिकनेस पे बना हुआ है और 190 ग्राम फोन का वेट है। तो एक लाइट वेट सा फोन है। प्लास्टिक का फ्रेम इसमें मिलता है और बैक भी पॉलीकार्बोनेट की है। एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और इसमें जो प्रोसेसर है वो ठीक है प्राइस के लिहाज से, मीडियाटेक G35 वाला जो ये प्राइस अनाउंस करने वाले। अभी तो ये फोन बांग्लादेश के अंदर लॉन्च हुआ है जिसकी प्राइस कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 16,000 तक बनती है। तो देखते हैं ये पाकिस्तान में प्राइस कम लेकर आते हैं या इससे ज़्यादा। तो परफॉर्मेंस वगैरह इसमें आपको ठीक मिल जाएगी। जो गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं इस प्राइस रेंज में वो भी आप इधर कर सकेंगे। गेमिंग प्रोसेसर आप इसको बोल सकते हैं। थोड़ा अच्छे ग्राफिक और परफॉर्मेंस वगैरह इसमें आपको मिल जाएगी। 2 GB की इसमें रैम है, एक ही वेरियंट इसका आता है। 32 GB की स्टोरेज है। LPDDR4X वाली इसमें रैम लगाई गई है और साथ में eMMC 5.1 वाली स्टोरेज टाइप है। बैक पे सिंगल कैमरा है जो कि एक स्क्वायर शेप के अंदर लगाया गया है। देखने को तो दो कैमरे लगते हैं लेकिन 8 MP का बैक पे कैमरा मिलता है जिससे आप 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे 30 FPS तक मैक्सिमम। 5 MP का फ्रंट पे सेल्फी कैमरा है। सिंगल स्पीकर इसमें मिलता है और माइक्रो USB वाला इसमें चार्जर आपको दिया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन में नहीं है जो कि और ब्रांड 16,000 की प्राइस तक तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे हैं और बाकी जायरोस्कोप वाला सेंसर भी इसमें नहीं मिलेगा आपको, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। 5000 mAh की इसमें बैटरी है और 10 W का नॉर्मल चार्जर आपको मिलेगा और ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर आप दूसरा कोई फोन इससे चार्ज करना चाहें तो वो भी कर सकेंगे। इसमें 2 कलर है, आयरन ग्रे और लेक ब्लू के नाम से। तो फोन तो ठीक है लेकिन जो कमी है इधर वो एक तो फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ज्यादा डिपेंड इसकी प्राइस पे करता है। अगर ये 15,000 से कम की प्राइस में आता है कोई गेमिंग फोन लेना चाहते हैं तो तब आप इसकी तरफ जा सकते हैं और कैमरे वगैरह भी आपको थोड़े नॉर्मल से मिल जाएंगे। तो इस वाले फोन का वेट नहीं भी करना चाहिए एक तरफ, क्योंकि टेक्नो, रेडमी और इनफिनिक्स के फोन इससे तगड़े आपको मिल जाते हैं जो ये प्राइस लेकर आने वाले हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। ये तो प्राइस पे डिपेंड करता है कितनी प्राइस ये रखते हैं। और क्या ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे सकते हैं अगर ये पाकिस्तान में फोन आता है? तो उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने 14-15 हज़ार में कोई फोन लेना है तो मेरी सजेशन है कि आपको कोई यूज्ड फोन ले लेना चाहिए जो कि 20-22 हज़ार में नया आता हो और यूज्ड में आपको 15-16 हज़ार में मिले, तो वो इससे कहीं बेटर ऑप्शन है जहां आप मजीद अपना बजट ज्यादा कर सकते हैं। 20 हज़ार में आपको और तगड़े फोन मिल जाते हैं इनफिनिक्स और टेक्नो के। इसमें रेडमी भी अपने अच्छे फोन लेकर आता है जैसे Poco M3 वाला फोन एक 20 हज़ार में काफी तगड़ा ऑप्शन है अगर आप फोन लेना चाहते हैं नया डब्बा पैक। तो और कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अल्लाह हाफिज़।